से 8 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया है। पुलिस चेकिंग के दौरान ये जाम लगा। पुलिस जो है वो नागरिकता कानून पर प्रदर्शन को देखते हुए चेकिंग कर रही थी। जाम की वजह से लोग अपनी गाड़ियों को छोड़कर पैदल ही अब जा रहे हैं। एनआरसी को लेकर जहां देश भर के कई अलग अलग शहरों में प्रदर्शन और प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो वहीं उसका असर अब गुरुग्राम की सड़कों पर भी देखने को मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि आज सुबह से दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर लगातार महाजाम जैसे हालात पैदा होते जा रहे हैं। क्योंकि आज सुबह दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के जवानों ने एक नाका लगाया और तमाम संदिग्ध व्यक्ति या असामाजिक तत्वों की जाँच की जा रही है। साथ ही साथ उनकी चेकिंग की जा रही है कि जिस तरह से दिल्ली में मुस्लिम संगठनों ने आज जो है एनआरसी को लेकर प्रदर्शन की कॉल की थी, कहीं कोई उसको ऐसा मतिक तत्व उसको किसी तरह की खलल ना गिरे और किसी तरह का कोई धर्म ना हो। पिछले कई दिनों से लगातार दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहे थे, आगजनी चल रही थी और उसी को लेकर दिल्ली पुलिस के जवान आज सुबह से लगातार जो हरियाणा की तरफ से या फिर जो मेवात की तरफ से लोग आ रहे हैं उनकी गहनता से जाँच कर रही है और उसी को लेकर लगातार दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर जाम के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। फिलहाल जाम 5 से 8 किलोमीटर हो गया है और इसी की वजह से गुरुग्राम के जो अंदरूनी इलाके थे उन तक ये जाम पहुँच गया है। गुरुग्राम से कैमरामैन अशोक कुमार के साथ धीरज चंबा का न्यूज 18।